वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट फ्लेक्सिबल कपलिंग। आज हम लोग बेटा फ्लेक्सिबल कपलिंग के बारे में देखेंगे। तो फ्लेक्सिबल कपलिंग पर क्या होता है कि जहाँ पर दो शाफ्टों का आपस में एक ही रेखा की स्थिति में बने रहना कठिन होता है। तो मतलब कि क्या है कि जैसे मान लिया कि ये हमारी कोई भी शाफ्ट है, तो अब इसको एक ही रेखा पर बने रहना कठिन है, तो वहाँ पर फ्लेक्सिबल कपलिंग का प्रयोग होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, यह मोटर पंप सेट के रूप में प्रयोग की जाती है, क्योंकि यह कपलिंग एक निश्चित सीमा में शाफ्टों को संरेखण मतलब अलाइनमेंट स्थिति में ना रह सकने तथा कंपनों आदि में भी कार्य को सुचारू रूप से करने की छूट प्रदान करती है। तो इसे हम फ्लेक्सिबल कपलिंग बोलते हैं। चलिए अब फ्लेक्सिबल कपलिंग का हमें एक क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, फ्लेक्सिबल कपलिंग का क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहली बात करेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन है, इस पर क्या बोला गया है कि एक फ्लेक्सिबल कपलिंग के विवरण दिए गए हैं, उचित पैमाने पर इनके भागों के असेंबली के निम्न दृश्य खींचिए। आउटसाइड एलिवेशन, आउटसाइड एंड व्यू, मतलब कि साइड व्यू बनाना है एंड इसका फ्रंट व्यू बनाना है। तो बेटा अब इस पे हमें क्या दिया गया, तो सबसे पहले हमें शाफ्ट दिया गया है, तो शाफ्ट का डाया कितना दिया गया है, 45 फाई दिया गया है। फिर इसके बाद इस तरह से ये हब दिया गया है, तो इसका डाया कितना है, 590 है। फिर इसके बाद ये पीसीडी डाया हमें दिया गया है 144, पीसीडी डाया जो दिया गया है 144। फिर इसके बाद पूरा डाया जो हमें दिया गया है 580 का दिया गया है। फिर इसके बाद ये फ्लेंज 1 है, ये फ्लेंज 2 है, तो फ्लेंज सेंटर से फ्लेंज तक के बीच का डाया कितना दिया गया है, 180 डाया दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये डायमंड आपका लगा हुआ है, तो ये डायमंड है, तो चलिए देखते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी गई है, 26। फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी गई है बेटा, 44। सेम इधर भी दिया गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कि ये 26 है, तो ये कितना होगा, तो बेटा ये भी हमारा 26 है। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 mm का गैप दिया गया है, कि यहाँ पर 3 mm का आपका गैप आएगा, तो बेटा यहाँ पर 3 mm का हमें गैप दिया गया है। तो ये गैप यहाँ पर हमें बेटा 3 mm का गैप दिया गया। 3 mm का गैप देने के बाद यहाँ से यहाँ तक का डाया कितना दिया गया, 530 हमें दिया गया, यहाँ से यहाँ तक 530 दिया गया है। फिर इसके बाद इस डाया मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 528। फिर इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 32, मतलब कि ये जो पार्ट है हमारा बोल्ट विथ वाशर का, तो ये पार्ट हमारा कितना है, इसकी लंबाई कितनी दी गई है बेटा, 32 mm दी गई है। और यहाँ पे हमारा कितना दिया गया है बेटा, कि ये हमारा कितना दिया गया, 26। तो अब ये 26 है, ये हमारा 32 है, तो ये कैसे असेंबल होगा, तो अब ये जो हमारा 32 है, 32 माइनस 26 तो कितना आ जाएगा, 6। तो ये जो 6 आएगा, तो एक फ्लेंज मतलब एक पार्ट्स और दूसरे पार्ट्स के बीच का जो गैप आएगा बेटा, वो 6 mm आएगा। ये 26 है एंड यहाँ पे ये जो डायमंड लगा हुआ है, जो हमारा पिन लगेगी, जो हमारा बुश का काम करेगा, तो वो हमारा कितना दिया गया, 32 एंड यहाँ पे ये हमें कितना दिया गया है, फ्लेंज के लिए हमें कितना दिया गया है, 26। ये 26, ये 32, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 6 mm आएगा गैप। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, कि एक रेफरेंस लाइन ड्रा की। रेफरेंस लाइन या सेंटर लाइन हमने ड्रा की। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कि एक फ्लेंज बनाना है। तो फ्लेंज बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, कि यहाँ से बेटा इस तरह से एक लाइट लाइन हमने
इस तरह से हमने लाइट लाइन ड्रा कर लिया। अब इसके बाद यहीं से 6 mm क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमारा डायमंड है ये 32 का है एंड यहाँ पे ये 26 है, तो यहाँ पे 32, यहाँ पर ये 26, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 26 है, माइनस करेंगे तो 6 mm का गैप आ जाएगा। तो चलिए 6 mm का गैप के लिए भी लाइंस यहीं से हम ड्रा करेंगे। इसी को रेफरेंस लिया, इस तरह से यहाँ से भी हमने लाइन से ड्रा कर दिया। अब इसके बाद इसका डाया कितना दिया गया, फ्लेंज का डाया कितना दिया गया। फ्लेंज का डाया बेटा हमें 180 mm दिया गया है, तो 90 mm ऊपर। तो इस तरह से मैंने क्या किया, 90 mm ऊपर ले लिया। इस तरह से मुझे यहाँ पर 90 mm मिला। सेम यहाँ से भी हमने 90 mm मेजर कर लिया, ये 90 mm इधर मेजर किया एंड 90 mm यहाँ पर भी हमने इस तरह से मेजर किया, यहाँ पर भी 90 mm इस तरह से हमने मेजर कर लिया। तो जब 90 mm यहाँ पर हमने इस तरह से मेजर किया है तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। तो अब ये हमारा क्या बन चुका है बेटा, ये लाइंस बन चुकी और ये 90 mm पर हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो कि सबसे पहले हब बनाते हैं। तो 44 + 26 हमारा कितना आएगा, 44 + 26 हमारा कितना आएगा, 70 mm। तो इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से 70 mm इधर लेफ्ट साइड ले लेंगे। तो जब 70 mm लेफ्ट साइड ले लेंगे तो इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए यहाँ से हम कुछ इस तरह से लाइट लाइंस ड्रा कर देंगे। अब यहाँ से हमने 70 mm लिया है तो 70 mm हम इधर से भी मेजर करेंगे क्योंकि सेम पार्ट्स हैं। तो अब यहाँ से भी हमने क्या किया बेटा कि 70 mm मेजर कर लिया, इस तरह से यहाँ से भी हमने एक लाइट लाइंस ड्रा कर दिया। तो अब ये जो इसका हब है तो हब का डाया कितना दिया गया है, 90 फाई दिया गया है। तो सेंटर से 45 mm ऊपर एंड 45 mm नीचे, तो चलिए मेजर करते हैं। 45 यहाँ पर मिला, अगेन 45 हमें कहाँ मिला, 45 90 यहाँ पर मिला। तो इस तरह से हमने मेजर कर लिया, यहाँ पर भी हमने क्या किया 45 मेजर किया, इस तरह से 45 mm यहाँ पर मिला एंड 45 mm हमें यहाँ पर मिला। अब इसके बाद हमने क्या किया कि इसी सेंट्रल लाइन को रेफरेंस लिया, सेंट्रल लाइन को रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट पर आए। अब इस पॉइंट पर आने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ से एक लाइट लाइन इस तरह से एंड यहीं से एक लाइट लाइन हमने इस तरह से यहाँ से ड्रा की एंड यहाँ से हमने क्या किया बेटा कि इस तरह से मैच करा दिया। एंड जब अब इसके बाद हमने क्या किया कि इस लाइंस को हमने इंक्रीज किया, लाइट लाइंस ही हम ड्रा करेंगे अभी। इस तरह से हमने इन लाइंस को इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने के बाद रेफरेंस लाइन से यहाँ से हमने प्रोजेक्शंस लिया। प्रोजेक्शंस लेने के बाद ये जो 90 mm की लाइंस आई है तो यहाँ से हमने क्या किया, इस तरह से हमने लाइंस को बना दिया। अब जब इस तरह से हमने लाइंस को बना दिया एंड जो एक्स्ट्रा लाइंस है उनको अभी हम रब कर देंगे। रब करने के बाद यहाँ से हमने इसको भी रेफरेंस लिया, इस तरह से रेफरेंस लेने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को
इस तरह से एंड इस तरह से हमने मिला दिया। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मैच कराया तो इस तरह, चलिए बेटा इस तरह से हमने क्या किया कि ये लाइन्स एक ब्लॉक बना लिया एंड फिर यही ब्लॉक हम क्या करेंगे नीचे बनाते हैं। तो चलिए हम नीचे भी बनाते हैं इसी ब्लॉक्स को इस तरह से 45 डिग्री पे 45 mm पर। यहाँ से मैंने एक लाइन्स खींची लाइट लाइन्स एंड यहाँ से भी हमने एक लाइट लाइन्स ड्रा की एंड इसके बाद अब हमें इधर फ्लेंज के लिए कितना चलना है 26 mm इधर। तो चलिए 26 mm हम यहाँ से मेजर करेंगे तो 26 mm यहाँ पर मिला। यहाँ से मेजर किया हमने इधर के लिए तो 26 mm हमें यहाँ पर मिला। फिर यहाँ से मेजर किया ऊपर से भी 26 mm तो हमें कहाँ पर मिला यहाँ पर 26 mm मिला। यहाँ से भी हमने मेजर किया तो बेटा 26 mm हमें यहाँ पर इस तरह से मिला। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा कि इसी को रेफरेंस लेते हुए तो अब हम क्या करेंगे कि 26 mm जो हमारा आया है तो क्वेश्चन के आधार पे कहाँ तक आया है रेफरेंस लाइंस तक आया है। तो रेफरेंस लाइंस तक हम इसी को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से यहाँ से मैच करा देंगे एंड यहाँ से भी हम इसी तरह से मैच करा देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा कपलिंग वन फ्लेंज बन गया हमारा। चलिए इस लाइंस को अब यहाँ से रफ कर देते हैं। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है टिप 44 इधर चलना है 44 इधर चलना है 44 इधर भी आना है 44 इधर भी। तो चारों तरफ हमें 44 आना है। तो चलिए 44 इधर लेते हैं तो ये हमारी ऑलरेडी बेटा 44 की आ गई क्योंकि हमने पूरा 70 mm ले लिया था एंड यहाँ से इस तरह से अब इस पार्ट्स को हमें हटा देना है क्योंकि ये पार्ट्स अब हमारा नहीं रहेगा। इस तरह से हमने इस पार्ट्स को रफ कर दिया तो अब ये हमारा क्या बन गया फ्लेंज बन चुके हैं नीचे के एंड अब ऊपर की बात करते हैं। तो ऊपर क्या करेंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पे ये जो हमारा हब है तो हब के ऊपर ही तो हमारा आ रहा है लाइन्स ड्रा हो रही है। तो चलिए 26 mm हम यहाँ से भी मेजर करते हैं इस तरह से 26 पे हमने इस तरह से लाइन्स ड्रा की एंड यहाँ से भी इस तरह से हमने लाइन्स को ड्रा कर दिया। अब बाकी इस पार्ट्स को हमें क्या करना है हटा देना है। इस तरह से हमने इस पार्ट्स को रफ कर दिया क्योंकि ये हमने सिर्फ बनाने के लिए जिसे हमें आसानी हो इसलिए हमने इसको ड्रा किया था। बाकी इस पार्ट्स को हमने रफ कर दिया। अब इसके बाद यहाँ तक का गैप कितना दिया गया इस लाइन से इस लाइन तक का गैप कितना दिया गया 16 mm। तो 16 mm अब यहाँ से मेजर करेंगे तो हमें कितना मिला बेटा 16 mm यहाँ पर मिला। यहाँ से मेजर किया हमने 16 mm तो कहाँ पर मिला इस पॉइंट पर हमें मिला। तो हमने क्या किया कि बाकी ये जो लाइंस है इस लाइंस को भी हमने रफ कर दिया यहाँ से ये इस तरह से हमें 16 mm मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि बेटा अब इसके बाद हमने इतने पार्ट्स को यहाँ से इस तरह से नीचे के पार्ट्स को हमने बना लिया। अब हमें ऊपर के पार्ट्स में ये जो पिन है और ये जो बोल्ट है ये नट है तो इनको हमें असेंबल करना है। तो असेंबल करने के लिए सेंटर से यहाँ तक का डाया कितना है 90 mm है एंड फिर हमें PCD डाया कितना दिया गया है 144। PCD डाया हमें कितना दिया गया 144 तो आधा कितना आएगा 72। तो 72 आएगा तो जब 72 आएगा तो 90 माइनस 72 बेटा तो कितना आ जाएगा 18 mm हमारा आ जाएगा। तो 18 mm कहाँ से आएगा यहाँ से
इस सेंटर तक 18 mm, या तो आपके पास दूसरा भी रास्ता है कि आप क्या करोगे कि ये हमारी रेफरेंस लाइन है, इस तरह से ये हमारी, बेटा क्या है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। तो जब ये हमारी रेफरेंस लाइन है तो अब आप क्या करोगे कि इसका PCD डायामीटर कितना दिया गया है, PCD डायामीटर हमें 144 दिया गया है, तो सेंटर से 72 ऊपर 72 नीचे, तो चलिए सेंटर से मैंने क्या किया 72 mm ऊपर लिया, तो मुझे 72 mm कहाँ पर मिला, यहाँ पर मुझे 72 mm मिला, एंड फिर 72 mm हमने नीचे मेजर किया तो कहाँ पर मिला, इस पॉइंट पर मुझे 72 मिला। इधर भी हमने सेम इसी तरह से मेजर किया, सेम मेजर किया तो 72 कहाँ मिला, यहाँ पर, फिर यहाँ यहीं से सेंटर से हमने मेजर किया तो 72 कहाँ पर मिला, इस पॉइंट पर हमें मिला। एंड 72 के बाद अब ऊपर हमारा कितना बच रहा है बेटा, ये ऑलरेडी 18 mm बच रहा है, यहाँ से भी हमारा 18 mm बच रहा है, तो जब बच रहा है तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से रेफरेंस लेते हुए ये जो सेंटर पॉइंट है तो इसी को रेफरेंस लेते हुए बेटा यहाँ से क्या करेंगे कि या तो यहाँ से हमने रेफरेंस लिया एंड यहाँ से अब हम एक हिडन लाइन से ड्रा कर देंगे इस तरह से हिडन लाइन्स यहाँ से बनाई एंड नीचे से भी रेफरेंस लेते हुए इन लाइन्स का, नीचे से भी अब हम इसी तरह से हिडन लाइन्स बनाएंगे, इस तरह से हमने हिडन लाइन्स भी बना दी, किस चीज़ के लिए, नट बोल्ट बनाने के लिए। अब इसके बाद बेटा इसका अंदर का डाया हमें कितना दिया गया है, 30 दिया गया है, अंदर का डाया हमें 20, 30, 30 mm दिया गया है, 530 दिया गया है अंदर का डाया। तो जब अंदर का डाया हमें 30 mm दिया गया है तो चलिए सेंटर से 15 ऊपर 15 नीचे लेते हैं, तो सेंटर से हमने क्या किया, इस तरह से हमने मेजर किया तो 15 mm इधर एंड 15 mm नीचे, तो इस तरह से ये हमारा 30 पे आ गया। तो जब ये 30 पे आया तो अब बेटा देखिए इसकी लंबाई कितनी दी गई है, इसकी लंबाई 32 दी गई है, इसकी लंबाई 32 दी गई है एंड ये जो हमारा फ्लेंज है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी विथ कितनी है, इसकी विथ हमें 32 दी गई है एंड इसकी विथ हमें कितनी दी गई बेटा, 26 दी गई है, विथ 32 एंड इसकी 26। तो अब ये 26 कैसे आएगी, तो ये जो हमने गैप दिया है ना 6 mm का बेटा, तो ये पूरा इसी पर असेंबल होगा आके, कुछ इस तरह से यहाँ से बेटा इस तरह से ये आएगा इधर भी एंड इधर भी, तो ये हमारा कितना होगा 26 और ये 6 हमारा कितना होगा 32, तो ये पूरा हमारा इस तरह से यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, इस पर कि इस तरह से हमने बना लिया तो ये ऑलरेडी गैप हमारा कितना आ गया, 3 mm का हमारा गैप आ गया, तो ये इस तरह से हमारा 3 mm का गैप आ गया, तो 3 mm का गैप हम यहाँ से भी मेजर करेंगे, तो इस तरह से मुझे 3 mm का गैप यहाँ पर मिला। तो हमने क्या किया बेटा कि यहीं से इस तरह से हमने लाइंस को मैच करा दिया, बाकी अभी इस लाइंस को हम अभी जब करेंगे, जितना भाग हमें रिक्वायरमेंट होगा उतना भाग रखेंगे, तो इस तरह से हमने बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि 3 mm नीचे भी हमें क्या करना है बेटा कि गैप देना है, क्योंकि 3 mm की प्लेट नीचे दी गई है, तो इस तरह से 3 mm मुझे यहाँ मिला, तो मैंने क्या किया कि जब 3 mm का हमें गैप देना है तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे इसको, इस तरह से हमने लाइट लाइंस यहाँ से भी ड्रा की एंड फिर इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया बेटा कि इस तरह से
हमने लाइंस को बना दिया। देखिए इस तरह से हमने क्या किया कि 16 mm से इस तरह से इसको बना दिया। अब इसके बाद इधर का पार्ट्स हमें बनाना है, तो जब इधर का पार्ट्स बनाना है तो इधर के पार्ट्स के लिए हमें बेटा यहाँ से भी इस पॉइंट से भी हमें 16 mm मेजर करना है। तो 16 mm मुझे कहाँ मिला, 16 mm मुझे इस पॉइंट्स पर मिला और मैंने क्या किया कि इसी को रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट से इस पॉइंट को इस तरह से हमने मैच करा दिया। एंड मैच कराने के बाद यहाँ से इस लाइंस को हमने यहाँ से रफ कर दिया क्योंकि अब इसकी हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रही है। तो अब इस तरह से ये हमारी क्या है कि फ्लेंज भी बन चुकी है। अब इसके बाद इसका डायामीटर देखिए, ये जो बोल्ट विथ वासर है, बोल्ट विथ वासर है, तो अब इस पर देखते नट, तो नट का डाया कितना दिया गया, 12। नट का डाया हमें 12 दिया गया, 5 12। तो इस लाइन से सेंटर से 6 mm ऊपर एंड 6 mm नीचे। तो मैंने क्या किया कि इसी सेंटर से 6 mm ऊपर एंड 6 mm नीचे, इस तरह से हमने क्या किया कि यहाँ से इस तरह से लाइन्स हमने, यहाँ से हमने इस तरह से लाइंस को बना दिया। तो ये हमारा बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि बेटा ये डाया हमें कितना दिया गया है, ये डाया हमें 16 phi दिया गया, ये डाया हमें 16 phi दिया गया है। तो चलिए कहाँ से, ये जो सेंटर है तो सेंटर से 8 mm ऊपर 8 mm नीचे। तो चलिए मेजर करते हैं, 8 mm ऊपर, 8 mm इधर मिला ऊपर एंड 8 mm यहाँ पर मिला। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से यहाँ से एंड इसको कुछ इस तरह से यहाँ से मैच करा देंगे। तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा ये जो डाया था ये हमारा हो गया। अब ये बना कहाँ तक है, 32 mm। तो ये हमारा कितना का था बेटा, 26 का, इतना पार्ट्स हमारा 26 का था प्लस 6 mm, तो कितना आ गया, 32 mm। अब इसके बाद ये तो हमने बना लिया, इस पिन को भी हमने यहाँ पर लगा दिया, मतलब जो भी हमारा ये है बोल्ट विथ वासर इसको भी बना दिया। तो अब इस पर हमें क्या करना है कि इधर से बोल्ट से बनाना है। तो चलिए बनाते, तो इधर पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये ऊपर कितना आएगा, तो 0.8D हमें लेना है। डी कितना दिया गया है इस बोल्ट के लिए, 12। तो जब 12 दिया गया है तो 9 mm या 10 mm आपका आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि इस तरह से मेजर किया तो इस पॉइंट पर आए एंड इसी पॉइंट से ये कितना आया हमारा, तो इसी पॉइंट से मैंने क्या किया कि कुछ इस तरह से लाइट लाइन्स ड्रा की। अब इनसे हमने क्या किया कि 6, क्योंकि हेक्सागोनल नट है या बोल्ट है तो फ्रंट से देखने पे हमें एक फेस दिखाई देगा एंड दूसरी तरफ फ्रंट से देखने पे हमें एक फेस दिखाई देगा एंड दो आधी आधी फेसें हमें दिखाई देंगे। तो अब इस तरह से हमने क्या किया बेटा कि यहाँ से कुछ इस तरह से, यहाँ से कुछ इस तरह से, यहाँ से कुछ इस तरह से एंड फिर यहाँ से भी हमने कुछ इस तरह से लाइंस ड्रा की। अब इसके बाद इसका रेडियस कितना आएगा, रेडियस इसका 18 mm आएगा। तो चलिए मैंने 18 mm मेजर किया इस तरह से एंड यहाँ पर हमने क्या किया, चैम्फर करना है हमें इस तरह से, मैंने यहाँ पर चैम्फरिंग कर दी। तो जब यहाँ पर चैम्फरिंग की तो 2 points मुझे मिले। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से फ्री हैंड इस तरह से बना दिया एंड ऊपर बोल्ट्स का कुछ बाहरी भाग बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन गया है, यहाँ पर इस तरह से ये हमारा ऊपर का नट बोल्ट विथ वासर हमारा बन चुका है, नट बोल्ट विथ
वासद हमारा बन चुका है। तो चलिए अब जितना पार्ट्स बचा है तो उसको बनाते हैं, लेकिन इसके पहले जो पार्ट्स हमने बना लिया है, क्लियर कर लिया है, तो अब इसको हम डार्क कर लेते हैं। इस तरह से बेटा हमने क्या किया, डार्क कर लिया, जितने पार्ट्स हमें बन चुका है और सारा कुछ क्लियर हो चुका है तो उसको हमने डार्क कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये जो हमारी बोल्ट है, तो यहाँ पर हमारा ये जो इसी के ऊपर नट लग रहा है, ये नट इसके ऊपर लग रहा है, तो यहाँ से इंड से यहाँ तक कितना है बेटा, थ्रेड हमें बनाने हैं, तो थ्रेड कितने पे हैं, 20 पे। तो 20 mm मुझे यहाँ पर मिला, तो मैंने क्या किया बेटा कि यहाँ से इस तरह से यहाँ से एक लाइट लाइन इस तरह से ड्रा कर ली। और थ्रेड डायामीटर क्या होगा इस पर, तो 0.8D करते हैं, तो 0.8D तो कितना आ जाएगा, 4 mm इधर, 4.5 mm इधर, 4.5 mm इधर। तो मैंने क्या किया कि इस तरह से मेजर किया इधर भी एंड इधर भी। अब यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से थ्रेड्स लाइंस हमने यहाँ से ड्रा कर दी, तो ये हमारा क्या बन गया, पूरी तरह से नट बोल्ट विथ वाशर बन चुका है। अब इस पर हमें क्या करना है बेटा कि ये जो हमारा बाहर बना हुआ है 16 के बाहर, तो ये कितना है, 26 फाई का है। तो सेंटर से हमने क्या किया कि जब ये हमारा 26 फाई का है, तो सेंटर से 13 mm ऊपर हमने मेजर किया, यहाँ पर मुझे 13 mm मिला ऊपर एंड 13 mm यहाँ पर मिला। और हमने क्या किया कि यहाँ से 8 mm इसकी जो दिया गया है, 8 mm जो इसकी हाइट दी गई, इसको भी हमने मेजर कर लिया। एंड फिर यहाँ से हमने क्या किया कि रेफरेंस लेते हुए इस लाइन से हमने कुछ इस तरह से लाइट लाइंस यहाँ से ड्रा की, एंड फिर यहीं से यहाँ से इस तरह से एंड यहाँ से इस तरह से हमने इसको मैच करा दिया। अब इसको भी हम डार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारा पार्ट्स कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस तरह से हमने इसको भी बना लिया। अब इसके बाद हमें ये जो लाइंस हैं बेटा इसकी, तो इनको हमें रफ कर देना है, क्योंकि अब ये हमारा पूरा पार्ट्स है। तो अब इसके बाद हमें इस पर क्या करना है बेटा, शाफ्ट बनाना है। तो चलिए अब हम इस पर शाफ्ट बनाते, क्योंकि हमारा नट बोल्ट विथ वाशर कंप्लीट हो चुका है। ये डायमंड शेप है, तो डायमंड शेप की हम जब सेक्शनिंग करेंगे तब वहाँ पर हम कर लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से अब शाफ्ट बनाना है। तो शाफ्ट का डायामीटर हमें कितना दिया गया, तो शाफ्ट का डायामीटर बेटा हमें कितना दिया गया, 45 फाई दिया गया है। तो 45 फाई दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से 22.5 ऊपर इस तरह से मुझे मिला, 22.5 ऊपर 45 इधर, यहाँ से भी हमने मेजर किया, क्योंकि 22.5 ऊपर एंड 22.5 इस तरह से नीचे। तो अब हमने क्या किया कि अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पे ये जो हमारा शाफ्ट आ रहा है, तो ये हमारी शाफ्ट की जो भी लाइंस आ रही है, शाफ्ट जो भी हमारा आ रहा है नीचे पार्ट से हमारा हिडन आ रहा है, एंड यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, पूरी तरह से लाइनिंग पे आ रहा है। तो चलिए हम बनाते हैं। इस तरह से हमने क्या किया कि यहाँ से पूरी तरह से लाइंस पर बना दिया, यहाँ से भी एंड यहाँ से भी, एंड नीचे से अब हमने क्या किया, नीचे से हिडन लाइंस आएंगी। इस तरह से हमने इसको भी हिडन यहाँ से कर दिया, इस तरह से बनाया। एंड फिर यहाँ से हमने शाफ्ट को कुछ इंक्रीज किया, कितना, 2.5 हमने इसको इंक्रीज किया, क्योंकि शाफ्ट की बेटा कोई लंबाई नहीं होती है, तो हमने दोनों तरफ कितना, 2.5 सेंटीमीटर मतलब 25 mm हमने
इस शाफ्ट की लंबाई को पीछे की तरफ इंक्रीज किया एंड यहाँ से भी हमने मेजर किया 25 एंड 25 mm एंड यहाँ से ब्रोकन पार्ट्स हमने कुछ इस तरह से हमने दिखा दिया एंड यहाँ से भी हमने क्या किया बेटा, मेजर किया 25 इधर मिला हमें, 25 mm इधर मिला हमें इस तरह से, एंड हमने यहाँ से भी इस तरह से हमने बना दिया। तो ये हमारा क्या है, शाफ्ट भी बन चुका है। अब इस पर हमें क्या बनाना है बेटा, की बनानी है। तो चलिए की भी बना लेते हैं बेटा, की। तो शाफ्ट के बाद की बनानी, तो की के लिए हमें क्या दिया गया, 12 इंटू 8 दिया गया। लेकिन ये 12 इंटू 8 ये भी है 75 की लंबाई है, ठीक है, 75 की लंबाई है 12 इंटू 8, मतलब 8 इसकी ये क्या है, मोटाई है। तो इसके लिए अब हम 8 को क्या करेंगे, ये शाफ्ट की सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन से 4 mm ऊपर इस तरह से एंड 4 mm नीचे। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, 70। तो ये 75 हमें यहाँ पर मिला, जो लेंथ हमें दी गई है, और हमने इसी को रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेते हुए इस तरह से हमने लाइंस को ड्रा की एंड नीचे वाली लाइंस को हमने हिडन ड्रा किया इस तरह से, एंड फिर इस लाइंस को हमने क्या किया बेटा, हिडन इस तरह से। ये हमारी की बन चुकी है, इस तरह से इस पार्ट्स की हमारी बन चुकी है। अब इसके बाद की हमें इधर लगानी है, तो इस शाफ्ट पर हमारी की कितना है, 12 इंटू 8। तो ये हमें कितना दिया गया, 12 दिया गया। यहाँ पर ये हमारा 8 था, यहाँ पर ये हमारा 12 दिया गया। तो चलिए उसको भी बनाते हैं। तो इसको हमने क्या किया कि सेंटर से 6 mm इस तरह से नीचे एंड 6 mm इस तरह से ऊपर। अब इसके बाद यहाँ से हमारा क्या होगा बेटा, कि यहाँ से भी इस तरह से हमने क्या किया कि 5 mm हमें आगे चलना है। क्यों, क्योंकि 70 mm तो यहाँ से यहाँ तक है हमारा, 75 mm हमें चाहिए। तो इस तरह से हमने क्या किया बेटा, कि यहाँ से इस तरह से रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद इस तरह से लाइंस लाई एंड यहाँ से इस तरह से, तो हमने इसको मिला दिया एंड फिर इस तरह से इधर से हमने बना दिया। एंड यहाँ से भी हमने क्या किया बेटा, कि कुछ इस तरह से हमने बना दिया। तो ये हमें 75 mm दिख गया, बना दिया, और ये हमारी की भी बन गई। एंड ये पार्ट्स को अब हमें क्या करना है कि बेटा, ये पार्ट्स हमारा जब शाफ्ट इसके अंदर असेंबल होगी, तो ये जो हमारा पार्ट्स है, तो इस पार्ट्स को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हिडन शो करा देंगे, या ना भी कराएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शाफ्ट अब हमारा इस पर लग चुका है। तो इसको हम हिडन शो कराएंगे इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से अब हम हिडन के रूप पर इसको शो कराएंगे एंड यहाँ से अब हम पूरा शो कराएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें दिखाई देगा और यहाँ से कर्व का रूप होगा। तो यहाँ से भी हमने इस तरह से कर्व के रूप के में इसको दिखा दिया एंड इसको इस तरह से हमने बना दिया एंड यहाँ से भी ये पार्ट्स हमें हिडन ही दिखाई देगा इस तरह से, इस तरह से ये पार्ट्स हमें यहाँ से भी हिडन ही दिखाई देगा। तो हमने क्या किया बेटा, इसको भी इस तरह से बना दिया एंड यहाँ से भी इस तरह से एंड यहाँ से फिर इस तरह से हमने बना दिया एंड ये हमारा क्या है, शाफ्ट है। तो शाफ्ट को भी हमने डार्क कर दिया। ये हमारी की बनी हुई है एंड ये हमारी शाफ्ट की लाइन आ गई है, ये हमारी की लाइंस है
ये हमारी की लाइन्स है एंड ये हमारी शाफ्ट की लाइन्स है यहाँ पर। तो हमने बेटा इतना बना लिया है। अब इस पर हमें क्या है कि चार नट बोल्ट्स लगाने हैं, चार नट बोल्ट्स अब हमें यहाँ पर लगाने हैं। तो चलिए लगाते हैं। एक हमने यहाँ पर लगा दिया, एक हमने यहाँ पर लगा दिया एंड उसके बाद दूसरा हम कहाँ लगाएंगे एंड तीसरा एंड चौथा कहाँ लगाएंगे। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हमने क्या किया कि मैंने मान लिया कि इस तरह से हमारे पास क्या है कि कोई भी फ्लेक्सिबल प्लेट है एंड इसके बीच में क्या है कि ये होल है। तो जब ये होल है एंड इसके बीच का ये जो गैप आपको दिख रहा है, तो इस तरह से जो आपको बेटा गैप दिख रहा है तो यही गैप हमारा क्या है 6 mm का गैप है। नीले और ब्लैक के बीच में जो गैप दिख रहा है ये गैप हमारे 6 mm का है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि नट बोल्ट्स कैसे लगे होंगे। तो नट बोल्ट्स जो लगे होंगे इसके सीध में दो होंगे, इसके सीध में दो होंगे। तो इस तरह से मैंने मान लिया कि इस तरह से जब ये नट बोल्ट्स लगेंगे तो एक एक इधर किनारे पे, एक इधर किनारे पे, फिर एक सेंटर पे, फिर एक उसके पीछे लगा हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं कि एक नट तो हमारा नट बोल्ट्स विथ वाशर एक यहाँ पर लग चुका है, एक नीचे लगेगा, फिर इसके बाद एक कहाँ लगेगा, एक हमारे बीच में लगेगा और एक जस्ट उसी के पीछे लगेगा जाके। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो ये हमारी क्या है रेफरेंस लाइन है और इसका हमें डाया कितना दिया गया, 16 दिया गया है। डाया हमें 16 दिया गया, तो चलिए 16 दिया गया, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। तो 8 mm ऊपर रेफरेंस लाइन से, 8 mm नीचे। तो 8 mm मुझे कहाँ पर मिला, इस पोजीशन पर मिला 8 mm एंड फिर 8 mm नीचे तो इस पोजीशन पर हमें मिला। तो हमने क्या किया कि यहाँ से इस तरह से मैच करा दिया। अब इसके बाद ऊपर से हमने प्रोजेक्शन से लिया तो क्या हमें दिखाई देगा, 6 mm हमें दिखाई देगा। तो जब ये 6 mm दिखाई देगा तो इसके लिए हमने क्या किया कि इस तरह से यहाँ से हमने इस चीज़ को क्या कर दिया बेटा, क्लैंप कर दिया। इस तरह से ये हमें मिल गए एंड यहाँ से भी हमने इस तरह से लगा दिया। अब इसके बाद इस पर अब हमें बनाना नहीं है पूरा, सिर्फ लाइन्स हमें ड्रा कर देनी है। अब इसके बाद हमें क्या है कि सेंटर से यहाँ से आप क्या करोगे, 8 mm ऊपर एंड 8 mm नीचे। 8 mm हमें यहाँ पर मिला एंड 8 mm हमें यहाँ पर मिला। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा कि इस तरह से यहाँ पर भी हमने लाइंस को ड्रा कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा बन गया। अब इसके बाद नट बोल्ट्स का प्रोजेक्शन लेते हुए तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि नट का डाया हमें कितना दिया गया था, 6 mm। तो 12 mm दिया गया था। तो 6 mm ऊपर एंड 6 mm नीचे इस तरह से एंड फिर इसी को प्रोजेक्शन से लेते हुए यहाँ से इस तरह से लाइन से ड्रा करेंगे एंड फिर यहाँ से इस तरह से बना देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नट्स का प्रोजेक्शन हो जाएगा, ये हमारे नट्स का प्रोजेक्शन हो जाएगा। एंड इधर अब हमें क्या करना है कि ये जो सेंटर लाइन है तो सेंटर लाइन से बेटा 13 mm ऊपर एंड 13 mm नीचे। तो चलिए बनाते हैं। 13 mm यहाँ पर मिला, 13 mm यहाँ पर मिला। अब यहाँ से हमने क्या किया, प्रोजेक्शंस लिया इस तरह से एंड यहाँ से 8 mm इस तरह से हमने लिया एंड यहाँ से रेफरेंस लेते हुए यहाँ से इस तरह से हम मैच करा दिया। तो ये भी हमारा बन चुका है एंड इस लाइंस को भी अब हमने बेटा क्या किया कि अच्छे से डार्क कर लिया ताकि ये भी हमें दिखाई दे सही से।
तो इस तरह से ये हमारा फिगर कंप्लीट होता है कि हमें क्या है, एक इसके पीछे लगेगा, ये जो सेंटर पे लगा हुआ है नट बोल्ट, एक इसके पीछे लगेगा अपोजिट, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक इसके अपोजिट लगा दिया। हमने दो की दी गई थी, दोनों शाफ्ट में की हमने लगा दी, क्योंकि दो शाफ्ट दिए गए, एक शाफ्ट ये है, एक शाफ्ट हमारे पास ये। अब इस पर हमें क्या करना है बेटा, सेक्शनिंग करनी है। तो क्वेश्चन पे हमसे बोला गया है आउटसाइड एलिवेशन, मतलब हाफ पार्ट्स पर हमें सेक्शनिंग करनी है। तो चलिए सेक्शनिंग करते हैं। अब तो सेक्शनिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये देखना है बेटा कि कितने पार्ट्स पर हमें सेक्शनिंग करनी है। तो सेक्शनिंग के लिए अब हमें कितना पार्ट्स बच रहा है बेटा, ये और ये पार्ट्स इधर बच रहा है। तो चलिए सेक्शनिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से सेक्शनिंग होगी। सेक्शनिंग इसलिए की जाती है कि ये हमारा पार्ट्स बिल्कुल पूरी तरह से बना हुआ है। चलिए इस तरह से यहाँ पर हम सेक्शनिंग भी करेंगे, और सेक्शनिंग 2 से 3 mm के गैप पर 45 डिग्री एंगल पर की जाती है। तो इस तरह से मैंने क्या किया बेटा कि यहाँ से सेक्शनिंग कर रहा हूँ, और बाकी ये जो की बनी हुई है तो की पर हम सेक्शनिंग नहीं करेंगे। इस तरह से हमने इस पार्ट्स पर सेक्शनिंग कर ली। अब इसके बाद जब इस पार्ट्स पर हमने सेक्शनिंग कर ली, तो अब दूसरे पार्ट्स पर भी अब हमें सेक्शनिंग करनी है। तो यहाँ से हमने सेक्शनिंग इस तरह से स्टार्ट किया, इस तरह से इधर हमने सेक्शनिंग करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से, एंड यहीं से हमने इधर से भी सेक्शनिंग स्टार्ट कर दी। इस तरह से बेटा सेक्शनिंग की जाती है। इस तरह से मैंने क्या किया बेटा, सेक्शनिंग कर दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ऊपर वाले पार्ट्स पर भी हमें सेक्शनिंग करनी है। तो चलिए कर देते हैं। और इसके बाद ये जो हमने पिन लगाई है, तो इस पिन पर हमें क्या करना है, ग्रिपर दिया गया है जो डायमंड शेप का है, तो अब इसको हमें बनाना है। तो चलिए डायमंड शेप का है तो इसको बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि इस पर भी हम कुछ ना कुछ सेक्शनिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस पर सेक्शनिंग करने के बाद डायमंड शेप बनाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी सेक्शनिंग करना स्टार्ट किया। इस तरह से यहाँ पर भी सेक्शनिंग करना हमने स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा कि अब हम यहीं से इस तरह से लाइन्स ड्रा करेंगे। इस तरह से हमें डायमंड शेप बनाते हुए चले आना है। अब ये डायमंड शेप बन कैसे रहा है इसको आप देखते रहिए बेटा, क्योंकि ये हमने क्या किया कि नीचे की एक पॉइंट उठाया और एक पॉइंट ऊपर का उठाया, तो बस यहीं से हमने लाइन्स ड्रा करना स्टार्ट कर दिया इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से डायमंड शेप आ गया। सेम पोजीशन अब नीचे भी इसी तरह से बनाएंगे। तो ये हमारा पूरी तरह से फ्लेक्सिबल कपलिंग का फ्रंट व्यू फाइनल कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ से भी अब हमें डायमंड शेप बनाना है। तो चलिए इस तरह से
यहाँ पर भी डायमंड शेप हमारा बन जाएगा। इस तरह से ये हमारा डायमंड शेप बन चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इस पर हमें नेमिंग करनी है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट व्यू बेटा कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर हम नेमिंग करते हैं। तो चलिए नेमिंग के लिए अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले नेमिंग के लिए तो यहाँ से एक लाइट लाइन से ड्रा करेंगे, कहाँ क्या है उसको हम मेंशन कराएंगे। तो सबसे पहले जो हमने बनाया था वहाँ से वहाँ तक का हम डायमीटर मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने फाई 180 mm बनाया था इस तरह से बेटा, क्या फाई 180 ये हमने लिया था फाई 180। अब इसके बाद यहाँ से पीसीडी को भी हम मेंशन कर लेते हैं इस तरह से हमने क्या किया बेटा कि पीसीडी को भी इंक्रीज किया एंड यहाँ से शाफ्ट से भी होते हुए हमने क्या किया कि इसको भी बना दिया डायमेंशन लाइन, यहाँ से भी हमने ड्रा की। तो कितना आया, ये कितना है पीसीडी 5144। अब इसके बाद यहाँ पर अब हम मेंशन करा देंगे शाफ्ट का डाया, यहाँ पर फाई शाफ्ट का डाया कितना है 45 एंड इसके बाद ये जो हमारा हब बचता है तो इसको भी अब हम यहाँ से मेंशन करा देंगे इस तरह से। ये कितना है हमें दिया गया है 590। तो इस तरह से हमने इसको भी बना दिया एंड अब इसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर भी हम डाइमेंशनिंग करेंगे इस तरह से इधर। तो ये हमारी क्या आएगी बेटा, ये हमें कितना दिया गया है 26, ये हमें 26 ये हमारा आ जाएगा 6, ये 26 एंड ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड फिर यहाँ से हमने क्या किया बेटा कि यहाँ तक मेजर फिर से किया, ये हमारा कितना आएगा 26 यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 26 आ जाएगा एंड फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा 26 आ जाएगा। फिर इसको हमने क्या किया बेटा, यहीं से इस तरह से लाइट लाइन्स ड्रा करके यहाँ से हमने मेजर कर लिया। तो ये कितना आएगा बेटा हमारा, ये हमारा आएगा 44 ये हमारा आएगा 44 एंड फिर अब यहाँ से भी हमने क्या किया, यही काम किया कि यहाँ से भी हमने इस तरह से लाइन से ड्रा की एंड यहाँ से इस तरह से मैच कराया। तो ये हमारा कितना आ गया यहाँ पर 44। फिर इसके बाद यहाँ से इस तरह से तो ये हमारा कितना आएगा बेटा फाई 26 एंड फिर इसको यहाँ से हमने मेजर किया तो ये हमारा कितना आएगा 8 ये हमारा 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया इस तरह से यहाँ से मेंशन किया तो ये यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा फाई 12 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद हमारी ये क्या है बेटा, ये पार्ट्स हमारा क्या कहलाएगा की, मैंने इसको इस तरह से की बना दिया एंड यहाँ का इस तरह से ये वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये हमारे पास 12 है एंड फिर ये यहाँ से
यहाँ तक कितनी है, ये 8 है हमारे पास, ये भी हमारी क्या है की है, ये हमारा क्या है बेटा शाफ्ट 1, शाफ्ट 1, ये हमारा क्या है बेटा शाफ्ट 2, इस तरह से नेमिंग करते हैं। फिर इसके बाद ऊपर आ जाते हैं, तो ऊपर अब हमें नेमिंग करनी है, तो इस तरह से यहाँ तक ये कितना आएगा बेटा 3 mm। फिर इसके बाद यहाँ से मेजर करेंगे इस तरह से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा बेटा, तो ये हमारा इस तरह से जब मेजर करेंगे इस तरह से यहाँ से, चलिए सही से मेजरमेंट करते हैं इसका, तो जब इस तरह से हम यहाँ से मेजर करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या है 5 26, ये हमारा 5 26 है। ये अंदर का हमारा कितना डाया है 5 16, 5 16 है ये हमारा। फिर इसके बाद क्या बचा, ऊपर भी हम मेंशन कर देते हैं इसी तरह से, ये लाइंस एंड ये लाइंस। तो चलिए ये क्या है 26 6 26, एंड ये लाइंस यहाँ से यहाँ तक बेटा कितना आएगी, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 8 हमारा है। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया, तो ये हमारा क्या है यहाँ पर नट बोल्ट विथ वाशर, वाशर भी यहाँ पर हमने बना रखा है। तो वाशर के लिए क्या आएगा बेटा कि प्लेट की थिकनेस हमें निकालनी होगी, तो थिकनेस हमारी कितनी है होती है 0.12D, तो 0.12D होती है, तो कितनी आ जाएगी 14.4 mm। तो इस तरह से इसको इंक्रीज करके ये हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने एक छोटा सा वाशर भी बना दिया। तो ये हमारा सारी चीज़ें यहाँ पर बन चुकी हैं और सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन भी करा दी है। ये वाशर हम बनाते हैं तो ठीक है, नहीं बनाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ से यहाँ तक कितना है 16 है। तो इस तरह से ये हमारा क्या बेटा कंप्लीट हो गया, इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू बन गया। अब इसके बाद इसका अब हमें क्या बनाना है, साइड व्यू बनाना है। तो चलिए बेटा अब इसका हम साइड व्यू भी बनाते हैं। तो चलिए अब साइड व्यू बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट लेने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, रेफरेंस लाइंस इस तरह से लंबी लाइन छोटी लाइन लंबी लाइन छोटी लाइन इस तरह से हमने ड्रा करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से हमने ड्रा करना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले जब हम साइड से देखेंगे बेटा, तो इधर साइड से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ये पूरा पार्ट से दिखाई देगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सेंटर से यहाँ तक के बीच की इस तरह से दूरी ले लेंगे।
सेंटर से यहाँ तक के बीच की दूरी ले लेंगे, ये जो हमारी फ्लेंज के लिए बना हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ से इस तरह से सर्कल बना देंगे, तो ये इस तरह से एक सर्कल हमारा बन जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 3 mm हमने कम किया है, तो 3 mm ऊपर भी कम है, 3 mm हमारा नीचे भी कम है, 3 mm ऊपर 3 mm नीचे, तो 6 mm, तो 180 mm बेटा 6 mm जाएंगे तो कितना आएगा 174। तो 174 का यहाँ से हम मेजर करेंगे, इस तरह से हमें यहाँ पर मिला, तो इतने की रेडियस लेके अब हम क्या करेंगे, इससे भी हमें सर्कल्स बनाना है, तो इस तरह से बेटा ये इससे भी हम सर्कल बनाएंगे। चलिए बनाते हैं, इस तरह से यहाँ से भी हम सर्कल्स यहाँ से सेंटर से फिर से हमने मेजर किया इस तरह से, एंड फिर यहाँ से यहाँ से फिर अब हमें चलिए बनाते हैं इस तरह से। बेटा हमने क्या किया, इसको भी बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या दिखाई देगा, तो अब इसके बाद ये हमें हब दिखाई देगा, तो हब का यहाँ से हम सेंटर लाइंस यहाँ से लिया पॉइंट, एंड यहाँ से इस तरह से हमें डाया इसका मिल जाएगा। तो जब डाया मिल जाएगा तो यहाँ से हम इस तरह से सर्कल्स बना देंगे। फिर इसके बाद शाफ्ट कट दिखाई देगी हमें, तो शाफ्ट का हम इस तरह से सर्कल्स बनाएंगे, अब इसके बाद हमें बेटा क्या दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा लेकिन नट बोल्ट्स हमें दिखाई देंगे, तो इसका तो इस तरह से मैंने क्या किया कि इस तरह से इसके भी डाया को मेंशन कर लिया इस तरह से। अब ये हिडन आएगा क्योंकि ये अंदर है, तो इस तरह से मैंने इस सर्कल के डाया को हिडन इस तरह से हमने बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, कि अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ पर की लगानी है, तो सबसे पहले हम की लगाएंगे। तो की लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा बेटा, कि जब की हमें लगानी है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर की, तो की का प्रोजेक्शंस आप जब वहाँ से देखोगे तो ये हमें दिखाई देगी। तो इसको हमने क्या किया कि इस तरह से प्रोजेक्शंस लाएंगे, तो कुछ यहाँ पर हमें आ जाएगा, हमारा प्रोजेक्शंस यहाँ से आएंगे तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी जो हमें क्या दिया गया है बेटा, कि इसकी जो हाइट दी गई है 8 दी गई है, हाइट इसकी 8 दी गई है, तो हाइट 8 दी गई है, तो सेंटर से बेटा क्या करेंगे 4 mm ऊपर एंड 4 mm नीचे। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये हमने हाइट ले ली, इस तरह से हमने यहाँ से हाइट ले ली। अब इसके बाद 12 mm दिया गया है, 12 mm, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे 6 mm लेफ्ट पे एंड 6 mm राइट पर, और यहाँ से इस तरह से मैच करा देंगे। तो इस तरह से ये हमारी एक की बन जाएगी, एंड इस पार्ट्स को यहाँ से ज़ब कर देंगे, तो इस तरह से ये हमारी बेटा क्या बन गई, की बन गई। इस तरह से ये हमारी की बन गई, इस तरह से हमने की को बना लिया, एंड इस सर्कल के डाया को फिर से हम लेके पूरी तरह से सर्कल्स बना देंगे।
इस तरह से हमने बना दिया। अब इसके बाद यहाँ से भी अब हमें जब उधर से देखेंगे तो ये हमें हिडन दिखाई देगी, तो जब ये हिडन दिखाई देगी तो इस पॉइंट से भी हमने क्या किया कि 4 mm ऊपर एंड 4 mm नीचे, तो इस तरह से हमने 4 mm इधर लिया एंड 4 mm हमें यहाँ पर मिला। तो अब हमने क्या किया कि इसी रेफरेंस लाइन को रेफरेंस लेते हुए यहाँ से इस तरह से ये हिडन लाइन्स आएगी, क्योंकि ये हमें नहीं दिखाई देगी, तो इस तरह से हिडन आएगी। अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे बेटा, 6 mm इधर लेफ्ट में, 6 mm राइट पर, एंड यहाँ से अब इस तरह से, एंड यहाँ से अब कहाँ पर बनेगी बेटा कि यहाँ पर बनेगी, तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं, सॉरी बेटा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि 4 mm ऊपर एंड 4 mm नीचे। अब ये की हमारी कैसी आएगी, हिडन आएगी, तो जब ये हिडन आएगी तो यहाँ से 6 mm मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इस तरह से मैंने क्या किया, लाइन्स ड्रा की, एंड यहाँ से भी हमने कुछ इस तरह से, एंड यहाँ से भी हमने कुछ इस तरह से, एंड फिर यहाँ से भी हमने कुछ इस तरह से हिडन लाइंस बना दी। तो इस तरह से ये हमारी की बन गई। एंड अब यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा कि सेक्शनिंग करनी है, तो चलिए इस तरह से इसकी हम सेक्शनिंग करेंगे। इस तरह से हमने क्या किया बेटा कि इसकी भी सेक्शनिंग कर दी। इस तरह से की हमारी लग चुकी है। अब इसके बाद इस पर हमें क्या करना है कि हेक्सागोनल 4 nut bolts लगाने हैं। तो इस तरह से इसका विथ अक्रॉस कॉर्नर कितना आएगा, 2D। तो 2D में D का हमने रेडियस लिया, एंड सभी पॉइंटों से सर्कल इस तरह से हमने सर्कल्स बना दिए, सभी पॉइंटों से हमने सर्कल्स बना दिए। इस तरह से यहाँ से हम सर्कल बनाएंगे, क्योंकि नट बनाना आप लोगों को बेटा बहुत अच्छे से आता है। साइड व्यू बनाना आपको बहुत अच्छे से आता है, नट का हो या बोल्ट का हो, तो इसलिए अब हम यहाँ पर ये सर्कल हम बनाएंगे विथ अक्रॉस कॉर्नर का। फिर इसके बाद इस सर्कल के हम पार्ट्स करेंगे इस तरह से। यहाँ से हमने क्या किया कि इधर भी एक पॉइंट, इधर भी एक पॉइंट, एंड फिर इधर से भी, एंड इधर से भी, इधर से भी, एंड इधर से भी, इधर से उतने ही आर्क का कट ले लिया इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब इसके बाद यहाँ से अब हम क्या करेंगे बेटा कि मैच करा देंगे इस तरह से, इस तरह से हमने क्या किया कि यहाँ से भी मैच करा दिया। इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, हेक्सागन बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा कि इसी का
एक फेस के सेंटर से एक फेस के बीच की दूरी लेके इस पर हमें क्या करना है, सर्कल बनाना है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से इस फेस के बीच की दूरी ली एंड सर्कल इस तरह से हमने बना दिया। तो इस तरह से जब हमने सर्कल बना दिया है तो अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा कि यहाँ से यहाँ तक तो ये तो हमारा सर्कल बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये सर्कल हमें बनाना है। तो चलिए हमने यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट कर लिया। तो जब यहाँ से यहाँ तक हमने मेजरमेंट कर लिया है तो कितना आएगा, चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं अंदर सर्कल कितने का, डायामीटर डी का। तो 6 mm रेडियस लेके हमने इस तरह से सर्कल बना लिया। इस तरह से बेटा हमने क्या किया, सर्कल बना लिया। अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, थ्रेड डाया लिया एंड थ्रेड डाया का भी सर्कल हमने बनाया कुछ इस तरह से। यहाँ से थ्रेड डाया का सर्कल हमने बना दिया। तो इसी तरह से हमें क्या करना है बेटा, सभी पे बनाना है। तो चलिए सभी पे बनाते हैं। इस तरह से बेटा हमने क्या किया कि सभी को बना लिया। अब इस पर अब हम क्या करेंगे कि डायमेंशन मेंशन करेंगे कौन सा कितने डाया का है। तो चलिए डायमेंशनिंग करते हैं इस पर। इस तरह से हमने क्या किया बेटा, डायमेंशनिंग की। ये हमारा बाहर वाला कितना है, 5180। अब इसके बाद दूसरी तरफ से इस तरह से हमने डायमेंशनिंग की। तो यहाँ से ये डाया कितना है, 5174। फिर इसके बाद यहाँ से हमने मेजरमेंट किया, यहाँ से हमने इस तरह से मेजरमेंट किया। तो ये हमारा कितना है बेटा, 1444। अब इसके बाद इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा बेटा, ये हमारा कितना है इस तरह से, ये हमारा 590 है। एंड फिर इसके बाद शाफ्ट का डाया कितना है बेटा, तो शाफ्ट का हमारे डाया इस तरह से, शाफ्ट का डाया है 545। एंड ये हमारा क्या है, की विथ लेंथ है या विथ हम बोल देंगे। तो ये कितनी है, 12। एंड यहाँ से यहाँ तक ये क्या है बेटा, ये हमारी हाइट है 8। कितनी है, 8। तो इस तरह से ये हमारा बेटा क्या कंप्लीट हो गया, साइड व्यू। इस तरह से हमें 4 नट बोल्ट, हेक्सागोनल नट बोल्ट की बात की गई थी। तो इस तरह से हमने 4 नट बोल्ट्स बना दिए। देखिए 1, 2, 3, 4 हमने बना दिया। अब इसके बाद सबसे पहले जब हमने साइड से देखा, तो जब हमने साइड से देखा बेटा तो हमें क्या दिखाई दिया, ये पूरा फ्लेंज दिखाई दिया। फिर इसके बाद हमें क्या दिखाई दिया, ये हब दिखाई दिया। हब के बाद हमें शाफ्ट दिखाई दी। शाफ्ट के बाद ये जो हमें PCD सर्कल दिया गया है, ये जो हमारा कितना है PCD कितना है, 144। तो ये हमें हिडन आएगा क्योंकि हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि कवर प्लेट के अंदर लगा हुआ है। तो अब इसके बाद ये हमने बना दिया। फिर इसके बाद ये 3 mm कम करके हमें दिखाई देगा, तो हमने वो भी कर लिया। कितना आएगा, 174। तो 174 आएगा, 144 आएगा। फिर इसके बाद ये हब का डाया 90 है, फिर शाफ्ट का डाया हमारे 45 है। तो हमने इस तरह से सारा कुछ बना लिया। तो ये हमारा क्या है बेटा, साइड व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है।
तो जिस तरह से हमें क्वेश्चन पे दिया गया था कि इसका आउटसाइड एलिवेशन मतलब ऊपर वाले साइड का हमें क्या करना है, सेक्शनिंग करनी थी, हमने कर दिया। बाहरी पास आउटसाइड एंड व्यू, तो आउटसाइड से हमने साइड व्यू देख लिया, तो इस तरह से हमने साइड व्यू बना लिया। अब की लंबाई हमारी कितनी है, 75 × 12 × 8 दो हैं, दो पीस हैं, तो 75 यहाँ से यहाँ तक हमारी लंबाई कितनी है 70, तो 70 के बाद 5 mm हमने बाहर निकाल दी, तो की बना दिया। यहाँ पर भी 5 mm हमने बाहर निकाल दिया, तो इस तरह से हमने की बना लिया, सारे पैरामीटर्स मेंशन करा दिए, एंड इस तरह से ये हमारी फ्लेक्सिबल कपलिंग बनाई जाती है। यदि किसी को कोई भी डाउट हो इस कपलिंग पर तो वो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके डाउट अपना पूछ सकता है। ये हमारी थी फ्लेक्सिबल कपलिंग।